SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हर कैंडिडेट को SSB OIR बुक को रेफर करना चाहिए ताकि उनके स्टेज वन स्क्रीनिंग के चांसेस बढ़ सके। बुक को इंडिया में OIR का बेंचमार्क माना जाता है और इसे XSSB प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन भी मिला है। AFMC यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद इंडिया का प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूशन है और साथ ही पूरे एशिया में किसी कंट्री की आर्म्ड फोर्सेस द्वारा सेटअप किया ये पहला मेडिकल कॉलेज है। और आज की वीडियो में हम इस प्रीमियर मेडिकल कॉलेज से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स को देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज को वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1 मई 1948 में एस्टैब्लिश किया गया था एज अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग इंस्टीट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द BC रॉय कमेटी। कर्नल PP चौधरी MCAFMC के फर्स्ट कमांडेंट थे और इसका कैंपस 119 एकर्स में फैला हुआ है, जिसमें वेल मेंटेन्ड गार्डन्स के अलावा सभी असेंशियल अमेनिटीज भी मौजूद हैं। कैंपस में लेक्चरल हॉल्स, लेबोरेटरीज, डेमोन्स्ट्रेशन रूम्स, म्यूजियम और ऑडिटोरियम के अलावा स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ के लिए फुली फर्निश्ड अकोमोडेशन फैसिलिटी भी कैंपस में ही मौजूद है। कैंपस में स्विमिंग पूल, सिनेमा थिएटर, कैफेटेरिया, जनरल स्टोर्स, यूनिट रन कैंटीन एंड शॉपिंग सेंटर, क्रेच एंड नर्सरी स्कूल, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, जिमनेजियम के साथ ही सभी आउटडोर और इंडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी मौजूद है। AFMC अपने ग्रेजुएट विंग के लिए फेमस है, जिसे 4 अगस्त 1962 को उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर श्री वी के कृष्णा मेनन द्वारा इनोग्रेट किया गया था और इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज AFMC डे। इस विंग को सेटअप करने का एम था टू इंक्रीज द इनटेक ऑफ मेडिकल ग्रेजुएट्स इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। 1999 तक ये ग्रेजुएट विंग यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से एफिलेटेड थी, पर प्रेजेंटली ये एफिलेटेड है टू द महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। वही नवंबर 1964 में कॉलेज ऑफ नर्सिंग को एस्टैब्लिश किया गया विद इनटेक ऑफ 40 स्टूडेंट्स, जिन्हें ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है। आज ये इंस्टीट्यूशन मेडिकल अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, डेंटल पोस्ट ग्रेजुएट्स, नर्सिंग कैडेट्स और पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। मेडिकल स्टूडेंट्स को एफिलेटेड टीचिंग हॉस्पिटल्स में भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कमांड हॉस्पिटल, सदरन कमांड, मिलिट्री हॉस्पिटल, कार्डियोथोरेसिक सेंटर, मिलिट्री हॉस्पिटल किरकी, आर्टिफिशियल लिम सेंटर एंड कंटेनमेंट जनरल हॉस्पिटल पुणे। द इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द एंटायर पूल ऑफ स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट टू द आर्म्ड फोर्सेस। यंग मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के साथ ही कॉलेज कई मेडिकल सब्जेक्ट्स में रिसर्च भी कंडक्ट करती है, इंक्लूडिंग दोज एस्पेक्ट्स व्हिच वुड अफेक्ट द मोरल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बोथ इन वॉर एंड पीस। एट प्रेजेंट कॉलेज 89+ ट्रेनिंग कोर्सेज कंडक्ट कर रही है, जिसमें तीनों सर्विसेज के पैरामेडिकल पर्सनल को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही 80 JCOs और ऑलमोस्ट 700 NCOs वेरियस कोर्सेज के लिए AFMC आते हैं। AFMC का फर्स्ट बैच 1966 में पास आउट हुआ था और तब से लेकर अब तक ये 7000+ डॉक्टर्स और 1000+ नर्सिंग ऑफिसर इंडियन डिफेंस फोर्सेज को दे चुका है। इस कॉलेज की ट्रेनिंग की बात करें तो AFMC को CEO वर्ल्ड 2021 द्वारा रैंक किया गया है एज 34th बेस्ट मेडिकल कॉलेज ग्लोबली, थर्ड अमंग मेडिकल कॉलेज इन इंडिया इन 2019 बाय इंडिया टुडे एंड सेकेंड अमंग मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया इन 2019 बाय आउटलुक इंडिया एंड फोर्थ इन इंडिया बाय द वीक। तो ये थी AFMC से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।